नमस्ते भारत, आप सब लोगों के बीच में एक बार फिर से मैं उपस्थित हो गई हूँ। तो निवेदन सबसे पहले वही कि प्लीज आप सब लोग इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अंत तक देखिएगा, शेयर कीजिएगा और साथ के साथ मेरे यानी आपके अपने चैनल ममता पेन्यूली काले उवाच को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को जरूर हिट कर दीजिएगा, ताकि जब भी मैं लाइव आऊं या कोई वीडियो या रील अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन तुरंत ही आपको मिल जाए। आजकल मैं हर दिन या फिर एक आधा दिन छोड़ करके लॉरेंस बिश्नोई के ऊपर अवश्य बात कर रही हूं, क्योंकि ये विषय इतना बड़ा हो गया है कि इस पर चर्चा करना और उस चर्चा को पूर्णतया आप लोगों के बीच में रखना नितांत आवश्यक हो गया है। लॉरेंस बिश्नोई को आए दिन धमकियां मिल रही हैं। कोई कहता है कि मैंने लॉरेंस बिश्नोई के खिलाफ 5000 शूटर्स तैयार कर दिए हैं, तो कोई तो खुलेआम लॉरेंस बिश्नोई की हत्या की सुपारी दे रहे हैं। मैं बात आज एक बार फिर से करूंगी करणी क्षत्रिय सेना के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं राज शेखावत, उनकी। राज शेखावत ने पहले भी लॉरेंस बिश्नोई की हत्या के लिए आह्वान किया था और बकायदा सुपारी उनके नाम की निकाली थी, यानी कि राज शेखावत सुपारी किलिंग को प्रमोट कर रहे हैं, खुलेआम लॉरेंस बिश्नोई की हत्या की सुपारी दे रहे हैं। उन्होंने पहले जो अनाउंसमेंट करी थी अपने वीडियो के माध्यम से, उसमें यह कहा कि मैं 1,11,1,111 रुपए का इनाम उस पुलिस वाले को दूंगा जो लॉरेंस को मारेगा, और उस पर भी मैंने उनको खूब खरी खरी सुनाई थी। और अब उन्होंने दूसरा अपना मैसेज जारी किया है और यह बोला है कि मैं 1,11,11,111 रुपए का इनाम उस कैदी को दूंगा, उस कैदी को जो जेल के अंदर लॉरेंस बिश्नोई को मारेगा। आप सोचिए कि किस प्रकार से सीधे सीधे ये कानून को ठेंगा दिखा रहे हैं, किस प्रकार से लगातार कानून को अपने हाथ में ले रहे हैं, कैसे खुले आम सुपारी दे रहे हैं भाई मारने की लॉरेंस बिश्नोई को। सुपारी किलिंग ही हुई ना साहब, ये भी हाँ, पैसे दे रहे हो, इनाम घोषित कर रहे हो, तो सुपारी किलिंग ही तो है ये, और क्या है ये क्या कानून को अपने हाथ में लेना नहीं है, क्या ये इलीगल नहीं है? राज शेखावत कौन होते हैं लॉरेंस बिश्नोई को सजा देने वाले या किसी को भी सजा देने वाले? आप खुद को क्षत्रिय करणी सेना का राष्ट्रीय अध्यक्ष बोलते हो, आप अपना काम करो, कानून अपना काम करेगी। इस देश के अंदर कानून है और कानून है इसीलिए लॉरेंस बिश्नोई जेल के अंदर है, कई वर्षों से जेल के अंदर है, अकेला अपनी सेल में बंद है। लॉरेंस के भाई के ऊपर भी एनआईए ने इनाम घोषित कर दिया है, कानून अपना काम कर रही है, जो गलत है उसको सजा मिल रही है, उसके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन हो रही है। तो मतलब ये राज शेखावत किस प्रकार की बातें लगातार कर रहे हैं, मतलब ये क्या, ये कोई गैंग वॉर करने की बात कर रहे हैं क्या? और मुझे जब ऐसी चीजें सुनाई देती हैं तो मुझे बहुत खराब लगता है हिंदुस्तान, और इसलिए मैं तो इन चीजों के बारे में बोलूंगी और ऐसे लोगों के खिलाफ भी बोलूंगी, बिकॉज ये सिर्फ और सिर्फ सस्ती लोकप्रियता का मामला है। और बाय द वे, जिनका नाम लेकर के ये इस सुपारी किलिंग का आह्वान कर रहे हैं लॉरेंस के अगेंस्ट, सुखदेव गोगामणि, उनकी तो पत्नी ने आकर के बयान दे दिया और उनकी पत्नी ने बोला है कि सुखदेव गोगामणि की हत्या में अभी तक लॉरेंस बिश्नोई का कोई भी नाम प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से आया ही नहीं है, यानी कि गोगामणि को मारने में लॉरेंस बिश्नोई का नाम है ही नहीं। उन्होंने आगे ये कहा कि जो एनआईए ने चार्जशीट दाखिल करी है उसमें कहीं पर भी लॉरेंस बिश्नोई का उल्लेख ही नहीं है, नाम ही नहीं है। और आगे उन्होंने भी यही बात कही जो मैं डेवन से कह रही हूं कि राज शेखावत सस्ती लोकप्रियता के लिए इस तरीके की बातें कर रहे हैं। तो भाई जिनके पति थे वो ये बात आकर के कह रही है, तो ये क्यों, मतलब बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना वाली बात कर रहे हैं, मैं कौन खाम खां? और ये क्या मतलब होता है कि पहले आप पुलिस वाले को बोलो कि तुम मारो, मैं तुमको इतना इनाम दूंगा, और उसके बाद बोलो कि जो कोई कैदी मारेगा तो उसको मैं इनाम दूंगा? क्या इन सारी चीजों का संज्ञान नहीं लिया जाना चाहिए? क्या इन मामलों पर इन्वेस्टिगेशन नहीं होनी चाहिए? क्या इन मामलों पर कानून ने इनके ऊपर भी कोई मामला नहीं दर्ज कर देना चाहिए? ये क्या है फिर, अगर ये सुपारी देने वाली बात नहीं है ओपनली, तो आप मुझे बता दीजिए कि ये क्या है? एक कोई और निकला है
पता नहीं क्या हीरोपंती हीरोगिरी करने के लिए। मैंने लॉरेंस विश्नोई के खिलाफ 5,000 शूटर्स मुंबई भेज दिए, ये कर दिया वो कर दिया, मतलब जिसको देखो वो ही लॉरेंस विश्नोई के नाम पे आकर के अपने लिए पॉपुलैरिटी ढूंढ रहा है। मतलब जस्टिन ट्रूडो था कनाडा का जो प्राइम मिनिस्टर है, उसको भी अपनी सत्ता बचाने के लिए और आगे अपने आप को चुनाव में जिताने के लिए किसके नाम का सहारा लेना पड़ा? लॉरेंस विश्नोई का। लॉरेंस विश्नोई ने निज्जर को मार दिया, वो जो अज्ञात है वो लॉरेंस विश्नोई है, लॉरेंस विश्नोई हमारा मुजरिम है, ये बातें कर रहे हैं वो। सोचने वाली बात है कि कनाडा के प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो से लेकर के यहां पर एक्स वाई जी एवरीवन इज टॉकिंग अबाउट लॉरेंस विश्नोई। एंड ये सारे लोग कम थे कि ऊपर से कूद गई सोमी अली। लॉरेंस विश्नोई को मैं समझाऊंगी जेल में जाकर के, मैं काउंसलिंग करूंगी। मतलब हद है भाई, बंद करो अपना ये नाटक प्लीज। इस देश के अंदर कानून है, इस देश के अंदर न्यायालय है, वो लोग अपना काम करेंगे। आप लोग अपना काम करो, जो आप लोग करना चाहते हो, जो आप करते आए हो, आप लोग वो काम करो। और अगर लोकप्रियता चाहिए तो कुछ और काम करो। लोकप्रिय होने से कोई मना नहीं कर रहा है, बिल्कुल होइए आप लोकप्रिय, रंज के होइए, जम के होइए, पर प्लीज ये सब मत कीजिए। तो ये एक अगेन बहुत महत्वपूर्ण विषय था। मुझे बड़ा अजीब सा लगा जब मैंने ये फिर से उनकी दूसरी वाली ये ऐलान की कहानी सुनी, तो इसलिए इस विषय को भी मैं आप लोगों के बीच में लेकर के आ रही हूं और आप लोगों से निवेदन करूंगी कि आप लोग अपना पॉइंट ऑफ व्यू कमेंट के माध्यम से मुझ तक जरूर पहुंचाइएगा। और धनतेरस आप लोगों ने बहुत अच्छे से मनाया होगा, अब छोटी दीपावली बड़ी दीपावली मनाने का समय है, तो आपको एक बार फिर से मैं दीपावली की शुभकामनाएं दे रही हूं। और खूब मिठाइयां खाइए, नए नए कपड़े पहनिए, खुश रहिए, खुशियां बांटिए और खूब प्रकाश पर्व को धूमधाम से मनाइए। और मैं आप लोगों को दीपावली के दिन भी शुभकामनाएं दूंगी, पर लगातार देती रह रही हूं। और इन्हीं शुभकामनाओं के साथ इस वक्त अपनी वाणी को मैं विराम दे रही हूं। निवेदन फिर से वो भी करूंगी कि प्लीज मेरे चैनल ममता पेन्यूली काले उवाज को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और उसके साथ साथ इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और लाइक भी कीजिएगा। प्लीज मेरे जो लाइव होते हैं और रील्स होती हैं उनको भी देखिएगा। तो अभी के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड थैंक यू वेरी मच माय एक्सटेंडेड फैमिली, मेरा समर्थन करने के लिए, मुझे आशीर्वाद देने के लिए, मेरा हाथ वर्चुअली होल्ड करने के लिए और मेरी हौसला अफजाई करने के लिए सदैव। उसके लिए दिल से मैं आप लोगों को धन्यवाद दे रही हूं। जितना धन्यवाद दूं उतना कम है, लेकिन एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय और जनता जनार्दन की जय।